तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आज के इस सेशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। पांडे जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नमस्कार। कैसे हैं पांडे साहब? हरिमोहन जी हैं, नीरज कुमार जी हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सभी साथी जो जुड़ चुके हैं उनको फिर से नमस्कार। रूपा जी गुड इवनिंग। और सभी साथियों का आज के इस लाइव सेशन में औपचारिक रूप से स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिजनेस फिगर ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। और जब भी हम प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो पहली तैयारी जो है बिजनेस फिगर याद हो जाने चाहिए। तो जब बिजनेस फिगर आपको याद होता है ना तो आप बहुत सारी चीजें अपने बैंक के बारे में जान पाते हैं। जैसे कि जो रात दिन आप मेहनत करते हैं बैंक में उसका परिणाम क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका मिशन क्या है, बैंक की बैलेंस शीट क्या है, बैंक का पोर्टफोलियो क्या है। और जब बैंक के बारे में इतनी सारी जानकारी आप जानते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होता है। और साथ ही साथ जब आप मार्केट में निकलते हैं मार्केटिंग करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, तो जब आपके पास बिजनेस फिगर जो है उसके पैरामीटर रहते हैं तो आप उसमें मार्केटिंग करने के लिए बहुत ही सहायक होता है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बिजनेस फिगर को दिया जाता है एग्जामिनेशन में भी, प्रमोशन में भी, कि जो ऑफिसर प्रमोशन के लिए जा रहे हैं उनको अपने बैंक के बारे में कितना पता है। तो कुछ महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं जिन पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होता है। वैसे तो अगर ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो इतने पैरामीटर हैं। आपने प्रेजेंटेशन आपके जो बैंक के देखे होंगे वो प्रेजेंटेशन भी इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, सारे रेशियोज रहते हैं, लेकिन सारी चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके बैंक के लिए महत्वपूर्ण है, बैंक के स्ट्रेटजी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से केवल 10 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। और आज हम उस 10 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो हर बैंक का एक थीम होता है, एक मोटो होता है, एक विजन होता है, एक लाइन होती है। तो कई बार उस थीम लाइन को भी पूछ लेता है थोड़े जो लोअर स्किल में, क्लरिकल टू ऑफिसर में। तो जरा फटाफट चैट बॉक्स में एक थम्स अप कर दीजिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और पीछे विजुअल्स अगर आपको दिख रहे हैं तो हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं आज बिजनेस फिगर की। और बिजनेस फिगर की जब चर्चा करते हैं तो किन किन चीजों को आप को देखना होता है। वैसे तो बैंक ऑफ इंडिया के बहुत कम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए 5-6 साथी या 7 साथी हमारे साथ होंगे। लेकिन अगर दूसरे बैंक के साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो अपने बैंक के बिजनेस फिगर भी वहां पर लिख सकते हैं और उसकी तैयारी अपने डायरी में कर सकते हैं। तो चलिए, आप नीरज कुमार जी ने कहा बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जब बिजनेस फिगर की आती है तो पहला महत्वपूर्ण चीज हम जानना चाहते हैं या जानना चाहिए हमें, वो है टोटल बिजनेस। और टोटल बिजनेस में यहाँ पर टर्म यूज हुआ है ग्लोबल बिजनेस। तो ग्लोबल बिजनेस इसलिए क्योंकि बैंक जो है ओवरसीज भी बिजनेस कर रही है। ओवरसीज मतलब बैंक की ब्रांचेस जो है वो आउटसाइड ऑफ इंडिया भी है, इसलिए यहाँ पर ग्लोबल बिजनेस यूज किया जाता है। तो ग्लोबल बिजनेस आप बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2021 की अगर बात करें तो देखिए कितना शानदार बिजनेस है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है, 10 लाख करोड़। तो बिजनेस है 31 मार्च 2021 को 10,37,549, है ना? अच्छी बात, आपको याद रखने के लिए भी कितना आसान हो गया कि अगर आपको याद रखना है कि आपके बैंक का ग्लोबल बिजनेस कितना है तो 10 लाख को याद रखिए और 10,37,549 जो है आपका ग्लोबल बिजनेस है। बिजनेस का मतलब ये है कि जो कारोबार हम करते हैं, इतना रात दिन मेहनत करते हैं और हमारे तमाम साथी जो है 365 दिन जो है अपना तन मन धन से लगन से और पूरी निष्ठा से, कर्तव्य निष्ठा से काम करते हैं, तो उसका जो बिजनेस है वो आपको 10,37,549, ये जो है टोटल बिजनेस है। और टोटल बिजनेस क्या होता है?
बैंक का जो मुख्य काम है 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में देखे होंगे, पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी पैसे को पब्लिक को डिप्लॉय करना, ये मेन मुख्य काम होता है बैंकों का। तो दोनों जो भाग है, एक पब्लिक से डिपॉजिट ग्रहण करना, स्वीकार करना, और उसी जो डिपॉजिट को है जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में वितरित करना, तो ये दोनों को अगर मिला देते हैं तो ग्लोबल बिजनेस या टोटल बिजनेस होता है। तो पहली मुख्य बात, आपके बैंक का टोटल बिजनेस अगर अगर पूछा जाए तो आप 10 लाख को याद करिए, तो 10,37,549 ये ग्लोबल बिजनेस है, 10,37,549 करोड़। तो ये बड़ा जो बिजनेस है, 10 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस, मतलब सोचिए कितना बड़ा बिजनेस है। अभी क्या हो रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर से एक ग्रोथ परसेंटेज पूछ रहा है, ग्रोथ परसेंटेज मतलब पिछले साल की बिजनेस से इस साल में कितना बढ़ोतरी हुआ। तो पिछले साल से बिजनेस में अगर ग्रोथ देखेंगे तो 6.74% का ग्रोथ है, तो 6.74% का ग्लोबल बिजनेस का ग्रोथ है। और अगर डिपॉजिट पूछा जाए, सॉरी बिजनेस पूछा जाए, ग्लोबल बिजनेस, तो 10,37,549। तो सत्यम झा जी भी आ गए भाई। चलिए नमस्कार सत्यम जी, थोड़ा सेटल डाउन हो जाइए, एक जगह बैठ जाइए और बिल्कुल आज के सेशन का जो है लाभ उठाइए। तो ग्लोबल बिजनेस से अभी बात कर रहे थे, वो है 10,37,549। मैं इतनी बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब हम अभी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है ये बिजनेस आपको अभी ही याद हो जाए। आप लोग वो स्कूल पहली और दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा, 5वीं कक्षा तक आप देखे होंगे वहाँ के पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है, आप उसी उसी चीज़ को रिपीट कराते हैं, जो टेबल याद कराते हैं, पहाड़ा याद कराते हैं, एक एकम 2, 1 दूनी 2, ऐसा करके रिपीट कराते रहते हैं तो याद हो जाता है ना। ठीक उसी तरह अगर हम किसी आंकड़ों को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। वैसे तो रूल ये बोलता है कि 7 बार अगर किसी चीज़ को रिपीट किया जाए तो एक 7 बार में वो भेदन करके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मतलब आपकी मेमोरी में वो अंकित हो जाता है। तो टोटल जो बिजनेस है, ग्लोबल बिजनेस, 10,37,549। सत्यम जी बोल रहे हैं बैंक का बड़ौदा का भी सेशन करेंगे, जरूर करेंगे, बैंक का बड़ौदा का भी सेशन करेंगे, 3-4 सेशन बैंक का बड़ौदा भी करेंगे। और ग्रोथ देखेंगे तो 6.74%। चलिए अगला आप बात करते हैं कि ग्लोबल डिपॉजिट, ग्लोबल डिपॉजिट, तो टोटल बिजनेस है 10,37,549 करोड़, और ग्लोबल डिपॉजिट की बात करेंगे तो 31 मार्च 2021 को ये डिपॉजिट देखिए 6,27,113 करोड़। वाह बहुत बड़ा बिजनेस है भाई आपका, मतलब लोगों का भरोसा देखिए आपके ऊपर कि ग्लोबली जो ओवरसीज और डोमेस्टिक ब्रांचेस मिला के लोगों ने आपके बैंक में 6,27,113 करोड़ जो है जमा किए, है ना जबरदस्त बात। तो टोटल आपका व्यवसाय है 10,37,549 करोड़, और उस 10,37,000 में से 6,27,113 करोड़ जो है वो डिपॉजिट है, मतलब 10,37,000 करोड़ जो है टोटल बिजनेस, और उसमें से 6,27,000 जो है पब्लिक का डिपॉजिट है, 6,27,113 करोड़। और अगर ग्रोथ परसेंटेज देखेंगे, क्योंकि अभी 3-4 बैंकों में ये सवाल पूछा गया कि उनका डिपॉजिट में ग्रोथ कितना है, तो डिपॉजिट में ग्रोथ कितना है यहाँ पर 12.89%। बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया आप तो, हैं 12.89% का ग्रोथ, तो ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो डिपॉजिट में ग्रोथ पूछा जाएगा तो 12.89% का ग्रोथ, और अगर डिपॉजिट पूछा जाएगा तो 6,27,113 करोड़। आइए अब बात करते हैं ग्लोबल एडवांसेस। तो ग्लोबल एडवांसेस तो दो तरह का जो आपका चीज को मिला के बिजनेस होता है, एक एडवांसेस और एक डिपॉजिट। तो टोटल अगर ग्लोबल बिजनेस की बात करें बैंक ऑफ इंडिया का, तो 10,37,549 करोड़ का बिजनेस, जिसमें से डिपॉजिट हो गया 6,27,119 करोड़ का, तो बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो एडवांसेस होगा, और एडवांसेस है 4,10,436 करोड़। ये 31 मार्च 2021 को है, और ये इसमें जो ग्रोथ परसेंट है ये वृद्धि नहीं हुई है, इसमें जो है डिग्रोथ हुआ है,
इसमें घटोतरी हुई है तो -1.46%, मतलब डिग्रोथ हुआ है। तो अभी कोरोना जिस समय से आया है, आप देखे होंगे एडवांसेस में बड़े बड़े जो फर्म हैं वो एडवांस ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एडवांस लेके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वो सेल नहीं हो रहा है, तो फिजिबल नहीं हो रहा है, यूनिट इसकी वजह से एडवांस कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर 410,000 जो पिछले साल 414,987 करोड़ था, अभी 410,436 करोड़ है, मतलब ये डिग्रोथ हुआ है 1.46%। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस कितना है तो 1,037,000 आपका बिजनेस हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए डिपॉजिट कितना है तो 627,119, और एडवांसेस पूछा जाए तो 410,436 करोड़। आइए अब बात करते हैं अगले पैरामीटर पर कि जब इतना व्यवसाय करते हैं तो हमको प्रॉफिट कितना होता है। और ये हुई ना कमाल की बात, ये तो तालियों के साथ आपका अभिनंदन करने लायक ग्रोथ है आपका, क्योंकि आपने 12.89% का ग्रोथ किया है, और इसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट देखिए 2,160 जो करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और ये पिछले साल अगर देखेंगे तो आपका 2,957 करोड़ का लॉस था, और अभी जो है इस फाइनेंशियल ईयर में 2,160 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ये हुई ना जबरदस्त बात। तो शायद आपको जो है 15 डेज का मिला होगा, आपको प्रॉफिट इंसेंटिव मिला होगा। नीरज जी बता पाएंगे कितने दिन का आपको जो है आप प्रॉफिट जो परफॉर्मेंस लिंक्ड जो आपको इंसेंटिव मिला है कितने डेज का, आप टाइप करके बता दीजिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छा है, नेट प्रॉफिट 2,160 बेहतरीन। कुछ नहीं मिला बीओआई में, अच्छा तो उसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव लिंक नहीं मिला है, वो ग्रोथ जो उस हिसाब से आपका सेट नहीं हुआ होगा उस पैरामीटर में, है ना। चलिए अब बात करते हैं आपका ग्रॉस एंड नेट एनपी रेशियो। तो ग्रॉस एंड नेट एनपी रेशियो जो है अगर बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए, तो ग्रॉस एनपीए 13.77% है, ग्रॉस एनपीए है 13.77% है, और नेट एनपीए है 3.35%। तो नेट एनपीए तो बढ़िया कंट्रोल है आपका, नेट एनपीए जो है 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 3% से नीचे हो तो बहुत बेस्ट माना जाता है, और ग्रॉस एनपीए जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्रॉस एनपीए तो ज़रूर ज़्यादा है 13.77%, और नेट एनपीए जो है 3.35% है। तो 3.35% एक नेट एनपीए अच्छा माना जाएगा, मतलब आपने प्रोविजन अच्छा खासा प्रोविजन किया होगा, मुझे लगता है 70% से ज़्यादा ही प्रोविजन किया होगा, मुझे लग रहा है 80%, क्योंकि आपका 4,00,000 करोड़ जो है आपका एडवांसेस है तो उसमें से काफ़ी प्रोविजन आपने किया होगा, क्योंकि ग्रॉस एनपीए तो आपका ज़्यादा है 13.77%। तो ये आपको पैरामीटर जो याद रखने हैं, टोटल बिजनेस फिगर, टोटल डिपॉजिट, टोटल एडवांसेस और नेट प्रॉफिट और ग्रॉस और नेट एनपीए का रेशियो। अब बात करते हैं जरा इसमें ग्रॉस एनपीए को अगर अमाउंट के आधार पर देखेंगे तो, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है एक बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और जिसके लिए हम काम करते हैं, क्योंकि पब्लिक के डिपॉजिट को ही हम पब्लिक को डिप्लॉय करते हैं लोन के रूप में। तो अगर एनपीए अगर सही रहा तो आप प्रॉफिट में आएंगे, और जिस उद्देश्य के लिए बैंकों की स्थापना की गई है उसमें वो सार्थक सिद्ध होंगे। तो ग्रॉस एनपीए अगर अमाउंट में देखा जाए तो 56,535 करोड़ का ग्रॉस एनपीए है। तो 56,535 करोड़ जो ग्रॉस एनपीए है, और आपका टोटल जो एडवांसेस है वो कितना है, वो है 4,00,000, ये देखिए ग्लोबल एडवांसेस है 410,436, और इस 410,436 में 56,535 करोड़ जो है वो आपका ग्रॉस एनपीए है। और ग्रॉस एनपीए का मतलब क्या होता है, अगर आपने 100 रुपये लोन दिया और 100 रुपये एनपीए हो गया तो वो ग्रॉस एनपीए हो जाएगा। अब उसमें अगर मान लीजिए हमने प्रोविजन कर दिया तो जो प्रोविजन लेस कर देते हैं तो नेट एनपीए होता है। तो ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजन इज इक्वल टू नेट एनपीए। तो ग्रॉस एनपीए है 56,535 और नेट एनपीए है 12,262। तो ग्रॉस एनपीए परसेंटेज अगर देखेंगे तो 13.77% और नेट एनपीए अगर देखेंगे तो 3.35%।
और प्रोविजन कवरेज रेशियो ये देखिए, मैंने बताया था 80% से भी ज्यादा हो सकता है, और यहाँ पर 86.24% है। तो 86.24% प्रोविजन कवरेज रेशियो है, मतलब आपने अच्छा अच्छा खासा तगड़ा प्रोविजन किया है। और ये 86.25% जो है प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज भी याद रखने की ज़रूरत है, 13.77%, और नेट एनपीए परसेंट को भी याद रखने की ज़रूरत है, 3.35%। ज़्यादातर ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और प्रोविजन कवरेज रेशियो और कासा, ये सारी चीज़ें जो हैं परसेंटेज में पूछी जाती है, अमाउंट में कम पूछी जाती है। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, प्रोविजन कवरेज रेशियो 86.24%, नेट एनपीए 3.35%। तो ज़्यादा संभावना है कि नेट एनपीए का परसेंटेज पूछा पूछा जाए, क्योंकि ये अच्छा है आपका 3.35%। और अगर ग्रॉस का पूछा जाए तो भी कोई बात नहीं, उसमें 10 जोड़ के आगे रख लीजिएगा, 13.77%। चलिए अब बात करते हैं अगले स्लाइड पर, प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो जैसे बताया मैं, 86.24%, ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा प्रोविजन कवरेज रेशियो। पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ाया हुआ है आपने प्रोविजन, तो प्रोविजन कवरेज रेशियो भी सीधे सीधे सवाल पूछता है, 86.24% आपको याद रखना है। अब बात करते हैं सीआरएआर। तो सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो जिसको बोलते हैं, कि हर बैंक में जो भी हम एसेट देते हैं, जो भी लोन देते हैं, या एसेट साइड में जितने भी चीज रहते हैं, सभी जो आइटम्स का उसमें रिस्क डिसाइड होता है, और उस रिस्क के हिसाब से कैपिटल रखना पड़ता है, और उसके लिए बेसेल नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है, और उसके आधार पर जितना भी रिस्क है, जैसे हर एसेट्स का, अगर किसी को रिटेल लोन दिए हैं तो उसमें 75% का रिस्क है, किसी को स्टाफ लोन दिए हैं हाउसिंग, तो उसमें 20% का रिस्क है, किसी को अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए हैं तो 20% का रिस्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिए हैं तो 0 रिस्क है। तो ये सारे रिस्क को मिला के बैंकों को कैपिटल रखना पड़ता है, और वो कैपिटल जो है बेसल निर्धारण करते हैं, और वो कितना होना चाहिए, 11.50% होना चाहिए विथ जो कैपिटल कंजर्वेटिव बफर। और आपका जो सीआरएआर है वो देखिए कितना शानदार है, 14.93% है, इसको अच्छा माना जाएगा, 14.93% ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, 14.93। तो ये आपको याद रखना है, सीआरएआर परसेंटेज 14.93, ये आपका बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं कासा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो हैं, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी में, एक बिजनेस बढ़ाने में, थर्ड पार्टी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बैंक के बिजनेस ग्रो करने के लिए, एक लो कॉस्ट डिपॉजिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनका जो परसेंटेज है ये 41.27% है, 41.27% है कासा परसेंटेज, तो इसको याद रख लीजिएगा। कहने का तात्पर्य, जैसे 10 लाख करोड़ का यहाँ डिपॉजिट है, तो 10 लाख करोड़, सॉरी, 10,27,000 टोटल बिजनेस में से 10,37,000 का आपका टोटल डिपॉजिट है, जिसमें से 6,27,000 करोड़ का जो बिजनेस है उनमें 41.27% कासा है, 41.24% कासा है, मतलब 100 रुपये अगर डिपॉजिट है तो उसमें 41 रुपये 27 पैसा कासा है, तो इसको अच्छा माना जाएगा, तो ये याद रख लीजिए, 41.27%। अब बात करते हैं ब्रांच नेटवर्क। तो ये जो बिजनेस करते हैं 10,37,539 करोड़ का, तो ये जो बिजनेस करते हैं आप लोग, कितने लोग मिलके करते हैं, कितनी ब्रांचेस मिलके करती हैं, देखिए टोटल ब्रांचेस हैं आपकी 5,107। तो इसमें रूरल ब्रांचेस हैं 1,828, सेमी अर्बन ब्रांचेस हैं 1,453, अर्बन ब्रांचेस हैं 812, मेट्रो ब्रांचेस हैं 991, डोमेस्टिक ब्रांच हैं 5,084, ओवरसीज ब्रांच जो विदेशों में जो ब्रांच है वो है 23, तो टोटल ब्रांच हो गया 5,107 जो टोटल ब्रांच हैं। ये ब्रांच मिलके आपके जो बैंक के बिजनेस करते हैं, वो बिजनेस कितना करते हैं, 10,37,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं ये 5,107 ब्रांच मिलके। तो ये ब्रांच नेटवर्क है। अब बात करते हैं कुछ अवार्ड्स का। तो अवार्ड्स और रिकग्निशन में से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो जो भी इस फाइनेंशियल ईयर में आपके बैंक ने अवार्ड लिया है,
उसको जरा याद रखने की जरूरत है, या एक सरसरी निगाह में पढ़ के चले जाएंगे तो वहां पर आपका क्लिक कर जाएगा। तो अवार्ड में देखिए, बैंक हैज ओन अटल पेंशन योजना एनुअल अवार्ड। तो अटल पेंशन योजना में एक एनुअल अवार्ड 2020-21 का फॉर ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर अचीविंग पर एपीवाई टारगेट। तो एपीवाई टारगेट जो दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसमें एक ये अवार्ड, एनुअल अवार्ड आपने हासिल किया, तो उसके लिए बहुत सारी आपको बधाई कि आपने वो टारगेट जो है अचीव किया, तो उसके लिए अवार्ड मिला। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो उसमें अवार्ड देती है। और दूसरा जो देखिए शानदार अवार्ड है, चमचमाता अवार्ड है, कि बैंक हैज अवार्डेड बेस्ट परफॉर्मर अंडर पब्लिक सेक्टर यूनिट कैटेगरी फॉर अमेजिंग अचीवर ऑफ एपीवाई ट्रिपल ए अवार्ड। इसको बोलते हैं अमेजिंग अचीवर ऑफ एपीवाई बाय पीएफआरडीए। जो पीएफआरडीए है तो इसमें पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ड्यूरिंग 1 फरवरी टू 31 मार्च, इस पीरियड में जो अमेजिंग अचीवर्स ऑफ अटल पेंशन योजना, आपने कुछ अच्छा अमेज किया होगा। वैसे क्वांटिटी तो नहीं पूछता है, लेकिन ये अवार्ड का नाम पूछता है, कौन सा अवार्ड मिला, और ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें से अवार्ड को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला अवार्ड आपको मिला है, बैंक हैज वॉन इन इंफोसिस फिनेकल क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड्स इन कैटेगरी प्रोडक्ट इनोवेशन फॉर क्यूआर कैश 2020। तो एक प्रोडक्ट इनोवेशन का अवार्ड मिला है। आप याद रखिएगा, प्रोडक्ट इनोवेशन मतलब नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में जो इनोवेशन है, जिसमें वो किसने अवार्ड दिया, इन्फोसिस फिनेकल क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड। जो इन्फोसिस फिनेकल है वो ऐसे क्लाइंट इनोवेशन अवार्ड की डिक्लेयर करते हैं, और इसमें आपको प्रोडक्ट इनोवेशन में ये अवार्ड मिला है, क्यूआर कैश। ये प्रोडक्ट था क्यूआर कैश, तो इस 2020 में ये अवार्ड, उसके आधार पर ये अवार्ड मिला गया है आपको प्रोडक्ट इनोवेशन में। अब बात करते हैं एक अगले अवार्ड की और, जो राजभाषा से जुड़ा हुआ है। तो राजभाषा नीति का पालन सभी बैंकों को करना होता है, ताकि ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो सके। तो उसमें फर्स्ट प्राइज मिला है 2019 और 20 के लिए। तो बहुत सारी बधाइयाँ भाई, तालियों से अभिनंदन आप लोगों का, कि बैंक हैज अवार्डेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज फॉर द ईयर 2019-20 फॉर द एक्सलेंट परफॉर्मेंस इन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। तो एक संसदीय समिति बनती है, जिनमें मंत्री रहते हैं और संसद में उनकी कमेटी होती है, वो आते हैं, निरीक्षण करते हैं, और फिर उसके बाद ये अवार्ड डिसाइड होता है। तो बैंक हैज अवार्डेड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, तो ये तो है ना सौभाग्य की बात, बहुत ही आपको बधाई वाली बात है। अब बात करते हैं, एक और अवार्ड मिला है आपको, डिजिटल ट्रांजेक्शन। जो आपको थ्रू आउट द कंट्री अगर डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक रैंकिंग किया जाता है, कि कौन सा बैंक जो है वो किस तरह का प्रमोशन कर रहा है, कि डिजिटल बैंकिंग, जो डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, डिजिटल बैंकिंग की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें बैंकों के द्वारा किए गए गतिविधियों को रैंकिंग किया जाता है और उनमें पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे 20 बैंकों की रैंकिंग की गई थी, उसमें आपको फोर्थ रैंक मिला, तो ये भी बड़ी सफलता की बात है भाई, है ना। तो डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोशन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको रैंकिंग दिया गया, फोर्थ रैंक और अवार्ड दिया गया। तो ये जो है आपको बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं, तो आप जो काम करते हैं उस काम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और आप आगे और उत्साहित होके नए लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे थे बैंक ऑफ इंडिया के बिजनेस फिगर के बारे में, और बिजनेस फिगर जानना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि बिजनेस फिगर्स जब जानते हैं तो हम अपने आप अपने बैंक को जानकर अपना आत्मविश्वास बढ़ा पाते हैं, अपना साहस बढ़ा पाते हैं, मार्केट में एक सम्मान को जो है सही तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं, और अपने बैंक के प्रेजेंटेशन को सही तरीके से मार्केटिंग करते हुए बैंक के व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। और जब आपको एक बिजनेस फिगर पता होता है, तो एक नए लक्ष्य की ओर आप बढ़ सकते हैं। लक्ष्य क्या रख सकते हैं, कितना परसेंटेज में वृद्धि हो रही है, सोचिए। जैसे आपके अंदर एक विश्वास अगर मिल जाता है, तो आप जितनी भी उजड़ी दुनिया है, जितना भी अंधकार है, वहां पर भी प्रकाश आप ला सकते हैं।
तो विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। जी हाँ, तो कुछ साथी जरा चैट बॉक्स में कुछ सवाल पूछे हैं उनको देख लेता हूँ। सर एसबीआई का भी बिजनेस फिगर बता देते। जी जरूर है, कल एसबीआई का बताएंगे, कल एसबीआई का बिजनेस फिगर बताएंगे और कल जो है एक सेशन और करेंगे, कल दो सेशन करेंगे, मैं बता दूंगा सुबह उनका। सर इतना ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, 10 चीज़ों पे जो है आप इसमें बिजनेस फिगर में पूछा जाता है, 10 चीज़ें जो है बिजनेस फिगर में पूछी जाती हैं। टोटल बिजनेस कितना है, टोटल एडवांसेस कितना है, टोटल डिपॉजिट कितना है, कासा क्या है, सीडी रेशियो क्या है। तो सीडी रेशियो इसमें आप निकाल लीजिएगा, सीडी रेशियो आपका काफ़ी अच्छा है। सीडी रेशियो 6,27,000 करोड़ और 4,10,000 करोड़ का है। तो कोई साथी कैलकुलेटर चला के सीडी रेशियो निकाल लीजिए, तो 4,10,227 डिवाइडेड बाई 6,17,000 आपका 226। तो ये जरा 6,27,226 तो ये डिवाइड कर लेंगे तो सीडी रेशियो आ जाएगा। फिर आपका कासा परसेंटेज, एनपीए, ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, फिर आता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, फिर सीआरएआर, प्रोविजन कवरेज रेशियो, ब्रांच नेटवर्क। और एक चीज आपको देखने की यहाँ जरूरत है, प्रॉफिट पर एम्प्लॉय कितना है और बिजनेस पर ब्रांच कितना है, प्रॉफिट पर ब्रांच कितना है, ये चीज आप निकाल लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, अदरवाइज तो बहुत सारे पैरामीटर हैं। आप अगर प्रायोरिटी सेक्टर में जाएंगे तो कितने हैं, और बैंक ऑफ इंडिया का प्रायोरिटी सेक्टर में जो अचीवमेंट है फाइनेंशियल ईयर 2021 में वो है 41.25%। कितना है देखिए, 41.25%। वैसे होना कितना चाहिए, 40% कम से कम टारगेट पूरा करना चाहिए। आपने कितना किया, 41.25%। तो ये चीज़ें जो हैं मुख्यतः होती हैं। हालांकि ये कभी नहीं पूछा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर कितना था, क्योंकि प्राय मैक्सिमम बैंकों का बैलेंस शीट उठा के देख लीजिएगा, वो 40-41 उससे एक थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी जो है रिटेल और वो रहता है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर में उतना प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है, एसेट्स क्वालिटी उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो जो रिटेल सेगमेंट्स के होते हैं, जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, उसमें इनकम ज़्यादा होता है, इसलिए जो प्रायोरिटी सेक्टर है वो मैंडेटरी पार्टी बैंक जो है उसको इस तरह से लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो ये थी आज बैंक ऑफ इंडिया के लिए हम बिजनेस फिगर की जानकारी। वैसे तो आपके पास बहुत सारे जो जनरल बैंकिंग के आपके जो मोबाइल ऐप है या वेबसाइट पर है, आप मॉक टेस्ट जो है ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हूँ, और आप जो है डेली मॉक टेस्ट और वीडियो एक एक टॉपिक का जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उनका वीडियो जरूर कर लीजिएगा। आज थोड़ी सेहत ठीक नहीं है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है हमको, थोड़ा सर्दी वर्दी लग रही है, तो कोई नहीं, फिर भी मैंने सोचा कि आप लोगों से बात करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर जब आपको अच्छा नहीं लगता है ना तो आप दोस्त ढूंढते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, और जो रूटीन काम करते रहते हैं उसमें अगर आप इंगेज हो जाते हैं तो आपका ध्यान अपने सेहत मतलब जो खराब चीज़ें हैं उससे हट जाता है। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ लाइव आया, छोटा सा सेशन ही सही लेकिन आपको जानकारी दे पाया। आशा करता हूँ कि आप लोग इसको दोबारा देखेंगे, अगर रिकॉर्डिंग अभी मैं अभी अपलोड कर दूंगा तो आप जो है उसको देख के याद कर लीजिएगा, आपको फिर इससे बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जी हाँ, आप सभी जो है कोई सवाल अगर, हाँ ये पूछ रहे हैं सवाल सर एसबीआई का, हाँ एसबीआई का बता देंगे। हरी मोहन जी टेक केयर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं लेने ही आया था, क्योंकि शुभकामनाओं में बड़ी ताकत होती है, अगर शुभकामनाएं करते हैं तो वो चीज़ होने लगता है, आप लोगों की दुआओं से सब ठीक हो जाता है। और आप जो है आप अपने हिसाब से आपके मोबाइल ऐप से, मोबाइल ऐप जो साथी डाउनलोड नहीं किए हैं वो कर लीजिएगा मोबाइल ऐप, क्योंकि मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो मैं जो भी चीज़ अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाता है। तो यहाँ पर जितने साथी हैं या और भी जो मेंबर हैं हमारे, वो जो है मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसमें कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो तूफानों से वार करो, सैलाबों तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। एक आपने ये लाइन सुनी होगी राहत इंदौरी साहब की, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की, कि तूफानों से आंख मिलाओ,
सैलाबों पे वार करो, इन मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, और मेहनत गर खता है तो ये खता बार बार करो, बार बार करो, क्योंकि मेहनत करने से सफलता मिलती है और लगातार मेहनत करने से सफलता मिलती है। आप अपने टाइम को मैनेज करिए, और अगर कहीं से टाइम चुरा पाते हैं एक दो घंटा तो चुरा लीजिए, और जो भी कंटेंट आते हैं आपके पास नया, उसको जो है 5 काम करके आप सफलता पा सकते हैं। पहला पढ़ना, दूसरा लिखना, तीसरा दोहराना, चौथा अभ्यास करना, और एक बीच में आता है समझना। क्या? पहले पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। तो ये 5 पंचसूत्र है, इस पंचसूत्र का पालन करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। कल फिर मिलेंगे आपसे इस उम्मीद के साथ, आपके अच्छे कार्य निष्पादन और सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कल भी मैं तंदुरुस्त हो जाऊँगा, बेहतरीन हो जाऊँगा, ज़बरदस्त हो जाऊँगा, और वैसे शानदार तरीके से आपके साथ मिलने आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।